हाय फ्रेंड्स, वायरल इंजीनियरिंग चैनल को सब्सक्राइब करिए और लेटेस्ट वीडियो जल्दी पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। हाय फ्रेंड्स, वायरल इंजीनियरिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयु और आज बात करने वाले हैं स्टीम टरबाइन। तो स्टीम टरबाइन क्या है, पहले जानते हैं टरबाइन क्या है। तो टरबाइन है एक प्राइम मूवर। प्राइम मूवर किसे बोलते हैं, जो कि घूम सकता है, ठीक है। तो कोई भी सिंपल घूमने वाला चीज़ को हम लोग टरबाइन बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि टरबाइन में कुछ खास ऐसे चीज़ होते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ बहुत ही सिंपल डिवाइसेस है। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये, ठीक है, ये घूम सकता है और इसमें ब्लेड भी लगा हुआ है, ठीक है। तो मानिए कि इसी तरह का है टरबाइन, ठीक है। इसको भी हम टरबाइन बोल सकते हैं, लेकिन इससे हम अगर हवा दें तो ये घूमेगा, ठीक है। तो ये हुआ विंड टरबाइन, लेकिन स्टीम टरबाइन स्टीम से चलता है, ठीक है। तो स्टीम टरबाइन किसे बोलता है कि स्टीम की एनर्जी को, मतलब स्टीम में जो हीट एनर्जी होता है, उस हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और उसी काइनेटिक एनर्जी से वो टरबाइन को घुमाया जाता है, ठीक है। तो वो हो गया स्टीम टरबाइन, जो कि स्टीम से चलता है। तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है देखते हैं, ठीक है। क्या होता है, जैसे आपको दिखाया ये जो ब्लेड, ऐसे इसी तरह का ब्लेड जो है, ये ब्लेड अंदर रहता है, ये वाला पोर्शन आपका ब्लेड है, ठीक है। ये मूविंग ब्लेड है, मतलब कि ये घूमता है, जो घूमने वाला है वो है मूविंग ब्लेड। और एक को रहता है फिक्स ब्लेड। तो फिक्स ब्लेड जो कि टरबाइन के ऊपर की कैबिनेट के साथ लगा हुआ रहता है, ठीक है, वो नहीं घूमता है। वो क्या काम करता है, जो स्टीम अंदर गया उस स्टीम को डायरेक्शन देता है कि किस ब्लेड पर उसको धक्का मारना है, ठीक है। और जो स्टीम का वेलोसिटी है उसको इंक्रीज करता है, ठीक है। स्टीम जहाँ पर घुसता है वहाँ पर एक नॉजल होता है। नॉजल क्या चीज़ है, नॉजल कुछ नहीं, इस तरह का पाइप है, ठीक है, जो कि इस तरह का पाइप जो कि एक तरफ का डायमीटर जो है बड़ा होता है और दूसरी तरफ जो निकलेगा, जहाँ से स्टीम निकलेगा उस तरफ का डायमीटर छोटा होता है। तो क्या होता है, जब स्टीम इंटर करता है उसका वेलोसिटी कम होता है, लेकिन जब वो कम डायमीटर वाला एरिया से गुजरता है तो उसका वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाता है। जैसे कि इससे अगर हम इसको हवा दें तो ये जोर से घूमेगा। और क्या होता है, जैसे टरबाइन का स्टीम घुसता है उधर का डायमीटर जो है छोटा होता है, ठीक है, और धीरे धीरे इसका डायमीटर जो है बढ़ता जाता है। ये क्यों है, क्योंकि स्टीम जो है एक्सपैंड होने के लिए, एक्सपैंड होने का मतलब क्या है, एक्सपैंड होने का मतलब यह है कि प्रेशर को ड्रॉप करते हैं और वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो प्रेशर क्यों ड्रॉप करते हैं, क्योंकि जब स्टीम हम लोग के एंड पोर्शन, ये जो पोर्शन है एंड पोर्शन, ये जो एंड पोर्शन है यहाँ से जो है स्टीम निकल जाता है बाहर, ठीक है, यहाँ से स्टीम बाहर निकलता है। तो हम लोग को जो है कम से कम स्टीम मिले, क्योंकि वो पानी में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि कंडेंसर में जब जाता है तब जितना पानी हो स्टीम से उतना बेहतर है, ठीक है, एफिशिएंसी उतना भी बढ़ जाता है। इसलिए जो है टरबाइन को एक्सपांशन डिवाइस भी बोला जाता है। अब स्टीम टरबाइन का जो है इसका दो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, कौन कौन सा है, एक जो है सिंपल इंपल्स टरबाइन और दूसरा है रिएक्शन टरबाइन। तो इंपल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन क्या है ये पता करते हैं, ठीक है। ये जो कंस्ट्रक्शन है अब देख सकते हैं, ऐसे टरबाइन जो है रियलिटी में टरबाइन ऐसे दिखता है, ठीक है, इतना बड़ा होता है और ब्लेड का जो शेप होता है वो इस तरह का कुछ कुछ होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन जिसका सेम होता है, लेकिन क्या होता है, जैसे हमने बोला फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड दोनों ब्लेड था, तो इंपल्स टरबाइन में क्या होता है,
फिक्स ब्लेड में भी प्रेशर डिक्रीज करता है, मतलब जब एक बार स्टीम टरबाइन के साथ टरबाइन के ब्लेड के साथ जब स्टीम टकरा जाता है तो उसका प्रेशर तो कम होना है, तो क्या होता है जो फिक्स ब्लेड है, फिक्स ब्लेड में जब टक्कर मारता है तो भी उसका प्रेशर डाउन होता है, और जब मूविंग ब्लेड में धक्का मारता है तब भी प्रेशर डाउन होता है। ठीक है, तो दोनों ब्लेड में जब प्रेशर डाउन हो तो उस टरबाइन को बोला जाता है इम्पल्स टरबाइन। ठीक है, और तो रिएक्शन टरबाइन क्या होता है, रिएक्शन टरबाइन में जब नोजल से स्टीम निकल के आता है, ये जो नोजल है नोजल से स्टीम निकल के आता है तो उसका वेलोसिटी बढ़ता है। ठीक है, लेकिन प्रेशर थोड़ा डिक्रीज होता है, और प्रेशर डिक्रीज जब वो मूविंग ब्लेड के साथ टक्कर होता है तो प्रेशर और भी डाउन होता है। ठीक है, रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ फिक्स ब्लेड में ही प्रेशर डाउन होता है, लेकिन मूविंग ब्लेड में कोई भी प्रेशर डाउन नहीं होता। इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन का मेन डिफरेंस क्या है, ठीक है, डिफरेंस यही है कि इम्पल्स टरबाइन जो है वो रिएक्शन टरबाइन के ब्लेड के साथ धक्का मारता है। ठीक है, तो ये दो आप डायग्राम देख सकते हैं, एक जो है वो जो है बाहर से ही स्टीम के प्रेशर वेलोसिटी से जो है घूमने लगता है। ठीक है, लेकिन दूसरा वाला जो है वो टरबाइन के अंदर से होकर के पास करता है तभी वो घूमता है। यही है बेसिक डिफरेंस इम्पल्स टरबाइन के और रिएक्शन टरबाइन के। टरबाइन के जो है कुछ कुछ एडवांटेजेस है, जो कि है जो इंजन होता है इंजन से टरबाइन का जो है उसका थर्मल एफिशिएंसी ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब कि टरबाइन में जो है वो हीट ज़्यादा सह सकता है, और ये बिना किसी फ्लाई व्हील का भी आपको यूनिफॉर्म रोटेशन दे सकता है। ठीक है, बाय बाय, और सबसे ज़रूरी बात, हमेशा खुश रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।